हेलो स्टूडेंट्स, सवारी केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, हमने आपको इससे पहले 12th हिंदी मीडियम की दो वीडियोस भेजी थी, उनमें से आपने ठोस के बारे में समझा। और अब यूनिट फर्स्ट की थर्ड वीडियो, जिसमें आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे ठोसों में अपूर्णता या बिंदु दोष। तो देखिए, ये हमारे पास आज का टॉपिक है ठोसों में अपूर्णता या दोष। ठोसों में दोष किस वजह से होंगे, क्या कारण है ठोसों में दोष होने के, पहले डायग्राम के तरीके से आप उसको समझने की कोशिश करें। हमारे पास एक कंप्लीट ठोस आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है और इस ठोस में धनायन और ऋणायनों से मिलकर पूरा ठोस बना है। मतलब इस ठोस के अवयवी कण है धनायन और ऋणायन। अब ये ठोस अभी आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है क्योंकि इस ठोस में 6 धनायन 6 ऋणायन अपनी अपनी जगह पर स्थित है। लेकिन जब किसी ठोस में किसी वजह से, वो वजह क्या क्या हो सकती है, ठोसों में उच्च क्वालिटी का करंट दे दिया जाए, ठोसों को उच्च ताप पर गर्म कर दिया जाए या ठोसों को काफी ऊंचाई से पटक दिया जाए, तब ठोसों के अवयवी कण अपने स्थान से क्या हो जाएंगे, विचलित। ठोसों में उसके कोई अवयवी कण अपने स्थान से विचलित हो जाए, विचलन में वो या तो ठोस को छोड़कर ठोस से बाहर जा सकते हैं या ठोस की अंतरकाशीय रिक्तियों में अपनी जगह बना सकते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को आप क्या बोलेंगे, ठोसों में अपूर्णता या दोष। जैसे कि हमारे पास ये ठोस था, माना कि इस ठोस में एक धनायन अपने नियमित स्थान से विचलित हो जाए तो वो धनायन का स्थान ठोस में खाली पड़ा रहेगा और ऐसी स्थिति में ठोस में क्या आ जाएगा, दोष। यानी ठोस अब पहले की तरह पूर्ण दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ठोस में क्या आ गई, अपूर्णता। इसी स्थिति को बोलते हैं आप ठोसों में अपूर्णता या बिंदु दोष। देखिए, हमारे सिलेबस में ठोसों में मुख्य रूप से दो प्रकार के दोष हैं। वो दो प्रकार के दोष में एक दोष हमारे पास कौन सा है, विद्युतीय दोष या इलेक्ट्रिकल दोष। इलेक्ट्रिकल दोष हमारे कोर्स में सिलेबस में जाना है नहीं, उसके बारे में केवल आप एक लाइन सुनिए। जब किसी ठोस में उसके अवयवी कणों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाए तो ठोसों में एक प्रकार से उसके गुणों में परिवर्तन आ जाएगा, ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाएंगे। उस स्थिति को बोलेंगे आप ठोसों में इलेक्ट्रॉनिक या विद्युतीय दोष। लेकिन हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से बिंदु दोष के बारे में दिया गया है। बिंदु दोष क्या होंगे, जब किसी ठोस में उसका कोई अवयवी कण अपने नियमित स्थान से विचलित हो जाए। जैसे हमारे पास ये कंप्लीट आयनिक ठोस है, इस ठोस में उसका कोई भी अवयवी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर ठोस से कण निकल जाए बाहर, ये धनायन अपने मुख्य भाग को छोड़कर, मुख्य स्थान को छोड़कर कहां चला गया, बाहर, तो इस स्थिति को बोलेंगे आप ठोसों में बिंदु दोष। ठोसों में बिंदु दोष मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक एक प्रकार को आज मैं आपको समझाऊंगा। आज का हमारा जो मुख्य प्रकार है वो है रस समीकरण मितीय दोष। तो देखिए, ठोसों में बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय होती क्या है और रस समीकरण मितीय दोष क्या होंगे, माना कि ये हमारे पास एक ठोस है और इस ठोस को हम पहले पूर्ण कर देते हैं, जैसे इसमें 6 धनायन और 6 ऋणायन। अभी देखिए, ये हमारे पास एक ठोस है, इसमें 6 धनायन है और 6 हमारे पास क्या है, ऋणायन। मतलब इस ठोस में 6 पॉजिटिव आयन और 6 नेगेटिव आयन है। अब इस ठोस में दोष आ जाए, और अभी जैसे कि आपने इसमें देखा 6 धनायन और 6 ऋणायन, तो इसमें इसका जो मूल अनुपात निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1:1। लेकिन अब इस ठोस में इस प्रकार से दोष उत्पन्न हो कि दोष के बावजूद भी इसमें इसके धनायन और ऋणायन के रेशो में यानी अनुपात में कोई परिवर्तन न हो, तब इस प्रकार के दोष को आप क्या बोलेंगे, रस समीकरण मितीय दोष। मतलब ऐसे दोष जिसमें ठोस में दोष के बावजूद उसमें धनायन और ऋणायन के अनुपात में कोई अंतर ना आए, उसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात वही रहे जो दोष से पहले था, तब इस प्रकार के दोष को आप क्या बोलेंगे, रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष के हमारे पास कुल दो प्रकार हैं। वो प्रकार हैं फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष। अब आपको डायग्राम बना के मैं फ्रेंकल और शॉर्ट की दोष के बारे में समझाऊंगा।
हाँ, तो अपनी बात चल रही थी रस समीकरण वित्तीय दोष की। रस समीकरण वित्तीय दोष के दोनों डायग्राम मैंने बोर्ड पर बना लिए हैं, जिससे अपन थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। देखिए बेटा, रस समीकरण वित्तीय मैंने आपको बता दिया था कि ठोस में दोष के बाद भी अवयवी कणों की संख्या, मतलब धनायन और ऋणायनों की संख्या के जो रेशियो है, मतलब जो उसका अनुपात है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अनुपात वही होना चाहिए दोष के बाद भी जो ठोसों में दोष से पहले था। इस प्रकार के दोष के दो उदाहरण बहुत ही इंपोर्टेंट, हर साल इनमें से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। दो दोष हैं, पहला हमारे पास कौन सा है, शॉर्ट की दोष। तो शॉर्ट की दोष क्या हुआ, ढंग से समझिए। इस प्रकार के दोष में जब किसी ठोस में से, खासकर आयनिक के लिए है तो अपन आयनिक को दादा नहीं लेके चल रहा है, इस प्रकार के दोष में जब किसी ठोस में से उसका कोई अवयवी कण, माना कि धनायन, अपने नियमित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल से क्या चला जाए, बाहर, तो उसकी रस समीकरण द्वितीय को बनाए रखने के लिए ठोस में से, पूरे ठोस में से कहीं से भी एक ऋणायन लिखा चला जाएगा बाहर। मतलब इस प्रकार के दोष में धनायन द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान, ऋणायन द्वारा छोड़े गए रिक्त स्थान के क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब जितने धनायन बाहर जाएंगे उतने ही ऋणायन क्या जाएंगे, बाहर। तब इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष में एक बार फिर देख लीजिए, जब किसी ठोस में उसका कोई धनायन अपना नियमित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से कहां चला जाए, बाहर, तब उसकी रस समीकरण वित्तीय और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ऋणायन भी क्रिस्टल को छोड़कर कहां जाएगा, बाहर। तब इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे आप, शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष को आप खासकर इनके द्वारा समझिए, ये इसके पॉइंट है। शॉर्ट की दोष में क्रिस्टल के घनत्व में क्या परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है, पहले इतने जगह पर हमारे पास कितने धनायन और ऋणायन थे, टोटल 12, 6 धनायन और 6 ऋणायन, लेकिन दोष के बाद अब धनायन और ऋणायन कितने बचे हमारे पास, 10, यानी एक धनायन और एक ऋणायन बाहर चला गया, तो निश्चित रूप से ठोस के घनत्व में क्या आ जाएगी, कमी। तो यह क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घटता है, तो आपको देखना है कि शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्यों कम होगा, क्योंकि धनायन और ऋणायन ठोस से कहां चले जाएंगे, बाहर। तो ये हमारे पास शॉर्ट की दोष, इसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा घनत्व। शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में हमेशा कमी आएगी, क्योंकि धनायन और ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर कहां चले जाएंगे, बाहर। दूसरी बात, धनायन और ऋणायन का आकार, शॉर्ट की दोष में धनायन और ऋणायन का आकार बिल्कुल कैसा होना चाहिए, एक जैसा, 19-20 का अंतर आना चाहिए, लेकिन आकार में ज्यादा परिवर्तन न हो। समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या क्या होती है, किसी ठोस में उसका कोई एक अवयवी कण अपने विपरीत जितने कणों से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, उसकी समन्वयन संख्या। तो समन्वयन संख्या का मान अधिक किसमें होगा, शॉर्ट की दोष में, क्योंकि शॉर्ट की दोष में धनायन और ऋणायनों का आकार लगभग कैसा है, समान। समान आकार होने के कारण एक धनायन को बहुत सारे ऋणायन और एक ऋणायन को बहुत सारे धनायन अच्छी तरीके से उसको चारों तरफ से कवर कर पाएंगे, उसको घेर पाएंगे। इसका मतलब समन्वयन संख्या का मान अधिक किसमें होगा, शॉर्ट की दोष में। अब देखिए स्थायित्व, स्थायित्व तो शॉर्ट की दोष में कम हो जाएगा, क्योंकि धनायन और ऋणायन अपने नियमित स्थान से विचलित हो गए, क्रिस्टल से कहां चले गए, बाहर। तो ठोस जो पहले के बराबर स्थायी था उसके स्थायित्व में क्या आएगी, कमी, क्योंकि जगह खाली है और ठोस अब उतना स्थायी नहीं होगा जितना स्थायी पहले था। शॉर्ट की दोष के दोनों उदाहरण आप देखिए, NaCl, Na और Cl दोनों के कणों का आकार कैसा, बराबर। सीजियम क्लोराइड के कणों का आकार भी कैसा है, लगभग बराबर, यानी CS सीजियम क्लोराइड, CS यानी सीजियम धनायन और Cl यानी Cl नेगेटिव आयन, दोनों का आकार लगभग कैसा है, समान। यानी NaCl सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड यानी CsCl दोनों शॉर्ट की दोषों के क्या है, उदाहरण। अब आप देखेंगे दूसरे प्रकार का दोष है, वो कौन सा है, फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष क्या होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा। फ्रेंकल दोष क्या होगा, वह दोष जिसमें उसका कोई धनायन अपने नियमित स्थान को छोड़कर, इस धनायन ने अपनी इस जगह को छोड़ दिया और अंतरकाशी रिक्ति में धनायन ने अपना स्थान बना लिया, तो ऐसा दोष जिसमें किसी क्रिस्टल का कोई धनायन अपने नियमित स्थान से विचलित होकर ठोसों की अंतरकाशी रिक्तियों में अपना स्थान बना ले। अंतरकाशी रिक्तियां क्या होती हैं, ठोसों के अवयवी कणों को गोला मानकर व्यवस्थित करने पर उनके बीच में कुछ जगह कैसी रह जाती है, खाली। उस खाली स्थान को ही आप क्या बोलेंगे, खाली स्थान को बोलेंगे आप अंतरकाशी रिक्तियां। तो इस प्रकार के दोष में
कोई धनाएं अपने नियमित स्थान को छोड़कर अंतर काशी रिक्तियों में अपना स्थान बना लेगा। यानी आप क्लियर देख रहे हैं कि इस प्रकार के दोष में किसी प्रकार का भी कण क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। तो वह दोष जिसमें उसका कोई धनायन अपना नियमित स्थान छोड़कर अंतर काशी रिक्तियों में अपना स्थान बना ले, तब इस प्रकार के दोष को क्या बोलेंगे आप? फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्लियर हो गया कि कोई ध्यान और रणायन स्थान को छोड़कर विचलित तो हुआ लेकिन ठोस से बाहर नहीं गया। तो अब इसके हम इन्हीं चार पॉइंट्स को देखेंगे। फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में क्या अंतर आएगा? फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा परिवर्तन? क्योंकि पहले भी ठोस में धनायन और रणायनों की संख्या कितनी थी? 12। और दोष के बाद भी धनायन और रणायनों की संख्या कितनी है? 12। क्योंकि कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर विचलित तो हुआ लेकिन ठोस से बाहर नहीं गया। तो इसमें जो घनत्व है वो कैसा रहेगा? अपरिवर्तित। मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, तो उसका हमारे पास जो नाम होगा वो क्या होगा? फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई पूछा क्यों नहीं होता, तो आपको बताना है क्योंकि क्रिस्टल में से कोई भी धनायन या ऋणायन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। उसने क्रिस्टल के अंदर ही अपनी पोजिशन को चेंज किया लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया। दूसरा था धनायन व ऋणायनों का आकार। इस प्रकार के दोष में धनायनों का आकार ऋणायनों की तुलना में कैसा होना चाहिए? छोटा। जब धनायन का आकार छोटा होगा तभी तो धनायन अपने नियमित स्थान को छोड़कर अंतर काशी रिक्तियों में अपना स्थान बना पाएगा। यानी धनायन और रणायनों के आकार में अंतर किस दोष में था? फ्रेंकल दोष। शॉर्ट की दोष में धनायन और रणायन का आकार कैसा था? समान। लेकिन फ्रेंकल में धनायन और रणायन के आकार में अंतर होगा। धनायन का आकार छोटा होगा, रणायन का क्या होगा? बड़ा। समन्वयन संख्या। इस प्रकार के दोष में धनायन और रणायनों का आकार बराबर नहीं है तो समन्वयन संख्या भी डिस्टर्ब होगी। मतलब धनायन इतना छोटा है तो उसको बड़े बड़े आकार के रणायन बहुत ज्यादा नहीं घेर पाएंगे, एक दो आयन इसको टच करेंगे। इसका मतलब संख्या का मान कम किसमें होगा? फ्रेंकल दोष में। स्थायित्व। स्थायित्व तो कोई सा भी ठोस हो, चाहे वो फ्रेंकल हो या फिर शॉर्ट की हो, स्थायित्व तो दोष के बाद किसी भी ठोस का क्या होगा? कम। तो इसके स्थायित्व में क्या आएगी? कमी। फ्रेंकल दोष के अगर आप उदाहरण देखें तो ज्यादातर सिल्वर के उदाहरण हमारे पास हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgI सिल्वर आयोडाइड, ZS जिंक सल्फाइड, या इसके उदाहरण में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सिलेबस का सबसे इंपोर्टेंट जो दोष था वो कौन सा था? रस समीकरण मितीय दोष। और रस समीकरण मितीय दोष के दो प्रकार हमारे सिलेबस में है, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष। शॉर्ट के फ्रेंकल दोषों के उदाहरण, शॉर्ट के फ्रेंकल दोष के घनत्व किसमें परिवर्तित होगा, किसमें धनायन और ऋणायन का आकार में अंतर आएगा, किसकी समन्वय संख्या कम होगी, किसके ज्यादा होगी, इस प्रकार से आपको देखना है। अब आप इसमें ये बात और एक बार समझेंगे कि ये दोनों दोष रस समीकरण मितीय क्यों है। आप देख लीजिए, शॉर्ट के दोष में देखिए, शॉर्ट के दोष में पहले कितने थे? 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। तो उनका जो हमारे पास अनुपात कितना रहा था? 1:1। और अब दोष के बाद कितने बचे थे? 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव। तब भी अनुपात कितना रहा है? 1:1। यानी इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब फ्रेंकल में देखिए, फ्रेंकल में दोष से पहले कितने थे? 6 धनायन और 6 ऋणायन। तब अनुपात कितना रहा था? 1:1। और अब दोष के बाद भी 6 धनायन और 6 ऋणायन है, क्योंकि फ्रेंकल में कोई धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर नहीं जाएगा। तो क्लियर है कि इनके अनुपात में दोष के बाद कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दोनों ठोसों में दोष के बाद क्रिस्टल के अवयवी कणों के अनुपात में कोई अंतर नहीं आ रहा। तो ये दोनों दोष ही किसके उदाहरण है? रस समीकरण मितीय दोष के। तो ये हमारे पास सबसे इंपोर्टेंट पार्ट था, रस समीकरण मितीय दोष। इसके बाद आज तो मैं छोटा ही वीडियो रखूंगा हिंदी मीडियम वालों के लिए, जितना ही। अगला जो इसका भाग होगा वो होगा भाग 4, ठोस में ठोस प्रावस्था का भाग 4। और ठोस प्रावस्था के भाग 4 में आपको अरस समीकरण मितीय दोष, अशुद्धि दोष और डोपिंग, एफ केंद्र, एक दो क्वेश्चन इसके बचे हुए पूरा करके यूनिट को हम एंड करेंगे और फिर आपको सेकंड यूनिट की क्या कराएंगे? शुरुआत। आज आप वीडियो तीसरे वीडियो को देखिए और इस पर लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इसके नोट्स आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराए जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।